कंप्यूटर प्रशिक्षण की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों से क्षमा चाहूंगा कि कुछ व्यक्तिगत कारणवश आप सभी के समक्ष इस सीरीज के तहत कोई अगला वीडियो नहीं ले आ पाया, जिसमें काफी लंबा समय भी आप सभी का व्यर्थ हुआ। लेकिन अब हम सब मिलकर इस श्रृंखला को नियमित रूप से आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। सहयोग यह कि आप इस श्रृंखला के तहत शामिल किए जा रहे जो वीडियोस हैं उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस रिकॉर्डिंग क्लब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका प्रचार प्रसार जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच करते रहें। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं हम अपने आज के विषय की ओर। पिछले भाग में अपने कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर पर डेस्कटॉप स्क्रीन की जानकारी हमने हासिल की, तो उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे टास्क बार के बारे में। तो इस टास्क बार को प्रैक्टिकली समझने से पहले हम एक उदाहरण के साथ टास्क बार को समझेंगे, और ये जो उदाहरण है यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। स्कूली शिक्षा के दौरान जब मैंने अंध विद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी शुरुआत में, और आशा करता हूं कि आप में से भी कुछ साथियों का यही अनुभव होगा। तो इस अनुभव के माध्यम से आप परिस्थिति को अपने मस्तिष्क में लाएं, यदि आपका अनुभव न रहा हो तो। तो आपने अपने स्कूल में गणित विषय को पढ़ा होगा, जिसमें हमें कई अंकों की जो है गणना करनी होती है, कैलकुलेशन जो है वो करना होता है। तो इसी विषय गणित की परीक्षा देने के लिए आपने ब्रेल में प्रश्न पत्रिका अवश्य पढ़ी होगी, क्वेश्चन पेपर जो होता है जो ब्रेल में निकाला जाता था। तब उस परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है वो सबसे पहले आपको ब्रेल क्वेश्चन पेपर पर जो दिए होते उसे पढ़ना होता था, उसके बाद आपको उस प्रश्न का जवाब निकालने के लिए एबेकस उपकरण का उपयोग करना होता था, और उस जवाब को बाद में ब्रेल स्लेट के जरिए उत्तर के रूप में उत्तर पत्रिका में लिखना होता था। तो यहां आपने देखा कि हमें एक ही कार्य को करने के लिए अलग अलग साधन एवं विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करना पड़ा, लेकिन अब यही एक कार्य कंप्यूटर के जरिए विभिन्न प्रोग्राम्स का उपयोग एक साथ करके बड़े आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर पर हम अनेकों कार्यों को एक साथ और कम समय में कर सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को बहुकुशल, बहुगुणी एवं शीघ्र कार्य करने वाले उपकरण के रूप में साथियों जाना जाता है। आज के इस आधुनिक युग में कई शैक्षणिक संस्थाएं तो अपनी परीक्षाएं जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से भी संपन्न करा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको कंप्यूटर की इसी बहुगुणी कौशल्य को अवश्य आपको समझना होगा और इसका भरपूर लाभ, समयोचित लाभ उठाना होगा। तो इसी कौशल्य यानी स्किल्स को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आप कंप्यूटर के टास्क बार को जो है उसके बारे में आप बखूबी समझें। तो आइए सबसे पहले हम इसी विषय टास्क बार पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपके समक्ष करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम
यह लेते हैं कि गणेश नामक एक छात्र गणित विषय की परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से देने जा रहा है। इसके लिए गणेश के टीचर ने जो है गणित के प्रश्न पत्रिका जो है गणेश के फाइल पर उसके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव किए हैं, जिसका नाम है मैथ्स पेपर। तो सबसे पहले गणेश अपने डेस्कटॉप पर जाकर इस फाइल को ओपन करता है। तो ये मैथ्स पेपर डॉट टी एक्स टी इस फाइल पर फोकस लाया गया है। एंटर प्रेस करते हैं। तो मैथ्स पेपर ये फाइल ओपन हो चुकी है। जैसे जॉज ने भी अनाउंस किया, मैथ्स पेपर डॉट टी एक्स टी। टाइटल चेक करते हैं हम इसका पुनः एक बार। तो जैसे आपने जॉस को अनाउंस करते सुना, मैथ्स पेपर डॉट टी एक्स टी नोट पैड। यानी अब गणेश ने जो फाइल अपने कंप्यूटर पर ओपन की है उसका नाम मैथ्स पेपर है और यह कंप्यूटर में लोड एक प्रोग्राम नोट पैड के जरिए ओपन हुई है। अब गणेश बारी बारी इस फाइल मैथ्स पेपर में लिखे प्रश्नों को पढ़ता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि अनिल के पास, अनिल के बैग में 2 मैंगो हैं और उसके फ्रेंड ने उसे और 7 मैंगो दिए हैं, तो उसके पास अब कितने मैंगो बचेंगे, कितने मैंगो टोटल हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि आज की कक्षा में कुल 72 स्टूडेंट में से जो है 31 स्टूडेंट्स जो है वो एबसेंट है, तो कुल कितने स्टूडेंट्स आज उपस्थित हैं। एंड ऑफ पेपर। तो ये इतने क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए गए हैं गणेश द्वारा। अब इस फाइल में लिखे प्रश्नों के जवाब निकालने के लिए उसे इन प्रश्नों में से लिखे अंकों की गणना करनी होगी। तो इसके लिए वह और एक प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर ओपन करता है जो है कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर ये प्रोग्राम ओपन हो चुका है। अब गणेश बारी बारी से एक एक प्रश्न मैथ्स पेपर की फाइल से पढ़ता है और बारी बारी उन प्रश्नों के हल को निकालने के लिए उसके कंप्यूटर पर ओपन किए कैलकुलेटर प्रोग्राम के जरिए जो है वह जो इन प्रश्नों में जो गणना इन प्रश्नों में जो अंक लिखे हैं उसकी गणना करते जाता है और बारी बारी से उन प्रश्नों के जवाब जो है कैलकुलेटर प्रोग्राम के जरिए वो प्राप्त करता है और उन्हें अपनी फाइल क्वेश्चन पेपर में आकर हर प्रश्न के बाद उत्तर के रूप में लिखते जाता है। तो पहला प्रश्न उसे ये पूछा गया था कि अनिल के पास 2 मैंगो थे और उसे जो है 7 मैंगो उसके फ्रेंड ने दिए, तो अनिल के पास कुल कितने मैंगो हैं। तो इसके लिए वह इसका जवाब जो है कैलकुलेटर के माध्यम से पाएगा। तो अब 9 रिजल्ट उसे मिल चुका है। तो अब वह अपने फाइल पर अपना फोकस लाएगा। इसके नीचे वह आंसर लिखेगा। आंसर 9। अब उसे वो पढ़ता है। आंसर 9। तो पहले क्वेश्चन का जवाब उसने कैलकुलेटर के माध्यम से उसने लिख लिया है। अब वो सेकंड क्वेश्चन पढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 72 स्टूडेंट्स, कुल 72 स्टूडेंट्स में से आज 31 जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, और तो कुल कितने स्टूडेंट आज एबसेंट है। तो इसका जवाब अब वो पाने के लिए पुनः कैलकुलेटर पर आएगा।
तो रिजल्ट 9 है, उसे वो डिलीट करेगा क्योंकि उसे नई कैलकुलेशन करनी है। अब वो यहाँ पर ये संख्या लिखेगा 72 माइनस जॉस जो है माइनस साइन को डैश अनाउंस करता है 31 इक्वल्स 41। तो उसे ये आंसर मिल गया है 41। तो अब पुनः वो अपने क्वेश्चन पेपर के फाइल में आएगा, अब वो नीचे जो जगह बनी हुई है आंसर देने की वहां पर फोकस लाएगा, ब्लैंक आंसर आंसर 41। तो इस तरह से उसने अपने क्वेश्चन पेपर को हल कर लिया है। तो इस तरह आप जिन जिन प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर पर ओपन करते जाते हैं वे सभी प्रोग्राम्स अस्थाई यानी टेम्पररी रूप से आपके कंप्यूटर पर मौजूद एक स्थान टास्क बार में सेव होते जाते हैं। तो इस तरह से अब आपने देखा कि गणेश के कंप्यूटर पर अब कुल 3 प्रोग्राम्स ओपन है, पहला नोटपैड, दूसरा कैलकुलेटर और तीसरा जॉस। तो ये सभी प्रोग्राम्स जो है ये आपके कंप्यूटर के टास्क बार पर टेम्परेली स्टोर होते हैं यानी सेव होते हैं, और वे सभी प्रोग्राम्स तब तक टास्क बार में दिखाई देते हैं जब तक आप उन्हें मैन्युअली यानी अपने आप से क्लोज नहीं करते हैं। हमारे लो विजन साथियों के लिए यह बताना यहाँ आवश्यक होगा कि टास्क बार एक समानांतर यानी लेफ्ट टू राइट चलते जा रही एक पतली पट्टी के समान दिखती है जो कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन के निचले भाग यानी बॉटम में शो होती है। तो इस टास्क बार पर आपने कंप्यूटर पर ओपन किए गए प्रोग्राम्स के जो है वो आइकॉन्स भी वहां शो होते हैं, जिसका चित्र देखकर जो है हमारे लो विजन या साइटेड यूजर्स उन प्रोग्राम्स की पहचान भी कर सकते हैं। तो इन ओपन प्रोग्राम्स के अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी टास्क बार पर शो होते हैं जिन्हें आपने कंप्यूटर पर ओपन नहीं किया है, अभी ओपन नहीं किया है, लेकिन आप जब अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तब कुछ प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर पर अपने आप ऑन हो जाते हैं और जो बैकग्राउंड में आपके कंप्यूटर पर चलते रहते हैं। तो इन्हें हम एक्टिव प्रोग्राम्स के रूप में जानेंगे। तो आपके कंप्यूटर पर, आपके कंप्यूटर के टास्क बार पर इन सभी ओपन एवं एक्टिव प्रोग्राम्स की लिस्ट शो होती है जो कि एक के बाद एक क्रम में अरेंज होती है, जो कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में शो होती है। आप इन प्रोग्राम्स पर लेफ्ट एंड राइट एरो कीज के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं। तो हमारे यह टास्क बार कुल 4 मुख्य भाग में व्याप्त होता है, जिनमें पहला है स्टार्ट बटन। तो सबसे पहले हम अपना फोकस पुनः डेस्कटॉप पर लाते हैं। तो अब हमारा फोकस डेस्कटॉप पर है, हम यहाँ पर टैब की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जॉस ने अनाउंस किया स्टार्ट बटन, तो ये पहला भाग होता है हमारे टास्क बार का। दूसरा भाग जो है टास्क बार का होता है वह है रनिंग एप्लीकेशंस टूल बार, यहाँ पर हम टैब की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जॉस ने अनाउंस किया टास्क बार इंटरनेट एक्सप्लोरर बटन, तो टैब की प्रेस करके आप इस सेकेंड पार्ट पर आए हैं। तो इस सेकेंड पार्ट में जो है साथियों उन सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट शो होती है जिन्हें आपने अपने कंप्यूटर पर ओपन किया है एवं वे प्रोग्राम जो एक्टिव प्रोग्राम्स के रूप में आपके कंप्यूटर पर कार्यशील होते हैं। यह सेकेंड पार्ट आपके टास्क बार पर बिल्कुल बीचों बीच शो होता है। तो यहां पर जैसे हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट आप कीज प्रेस करके भी आप टास्क बार के बारे में जान सकते हैं, यानी कौन से प्रोग्राम्स ओपन है और एक्टिव है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ही हम राइट एरो की प्रेस करते हैं, तो ये मोज़िला फायरफॉक्स हमने ओपन नहीं किया है, ये एक्टिव प्रोग्राम के रूप में है। फायरफॉक्स ये भी एक्टिव प्रोग्राम है। तो जॉस ये अब हमारा जो जिसके अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं वो जॉस ओपन है। डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप भी ओपन है, तो
इसके बारे में। डेस्कटॉप हमेशा जो है वो ओपन ही रहता है, नहीं एक्टिव प्रोग्राम के रूप में। तो ये मैथ्स पेपर यानी जो हमने अभी अभी ओपन किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर भी हमने ओपन किया है तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब हम टैब की प्रेस करके टास्क बार के थर्ड पार्ट पर आते हैं साथियों। तो जैसे यहाँ जॉज ने अनाउंस किया नोटिफिकेशन शेवरॉन बटन, तो यह टास्क बार का थर्ड पार्ट है जो आपके टास्क बार पर बिल्कुल राइट हैंड साइड में शो होता है। इस भाग नोटिफिकेशन एरिया में आपके कंप्यूटर से संबंधित कई बातों का स्टेटस शो हो रहा होता है, जैसे आपके लैपटॉप की बैटरी का स्टेटस, वॉल्यूम संबंधी जानकारी यानी कितना स्पीकर का वॉल्यूम है, आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क यानी इंटरनेट से जुड़ा है या नहीं, या ब्लूटूथ से फिलहाल कनेक्टेड है या नहीं, आपका कंप्यूटर वायरस मुक्त है फिलहाल है या नहीं, या आपके कंप्यूटर की जो क्लॉक होती है वह भी वर्तमान में यहां पर शो होती है जो डेट एंड टाइम दर्शाते रहती है। तो ये सभी बातें यहां पर इस नोटिफिकेशन शेवरॉन बटन इन नोटिफिकेशन एरिया में शो होती है, जो थर्ड पार्ट है आपके टास्क बार का। इसके बाद जो आखिरी पार्ट हमारे टास्क बार पर शो होता है वह है शो डेस्कटॉप बटन। टैब की प्रेस करते हैं शो डेस्कटॉप बटन। तो यह हमारे टास्क बार का चौथा हिस्सा है जो कि हमारे टास्क बार पर सबसे राइट हैंड साइड यानी दाई ओर शो होता है। इसकी शक्ल एक बटन के चित्र के रूप में यानी एक आयताकार रेक्टेंगुलर बटन के रूप में यह शो होता है, जिसका उपयोग हमारे लो विजन साथी या साइटेड यूजर जो है माउस के जरिए क्लिक करके अपना फोकस पुनः डेस्कटॉप पर लाते हैं। तो यदि हम इसे एंटर की प्रेस करके एक्टिवेट करेंगे तब हमारे कंप्यूटर पर ओपन सभी प्रोग्राम जो है पुनः मिनिमाइज होकर यानी छोटा रूप लेकर स्क्रीन पर अपना छोटा रूप लेकर इसी टास्क बार पर टेम्परेरीली पुनः स्टोर हो जाएंगे। एंटर की प्रेस करते हैं इस पर। तो अब हमारा फोकस जो है डेस्कटॉप पर पुनः आ गया है। तो हम फिर एक बार टैब की प्रेस करके अपना फोकस टास्क बार के पहले हिस्से पर लाते हैं। तो अब हम अपने टास्क बार के सभी चारों पार्ट्स पर टैब की के जरिए बारी बारी पुनः नेविगेट करते हैं। तो अब हम टास्क बार के पहले पार्ट पर हैं, टैब की प्रेस करते हैं। तो ये टास्क बार यानी एप्लीकेशन टूल बार जिसे हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट है टास्क बार का, टैब की प्रेस करते हैं। नोटिफिकेशन शेवरॉन बटन ये थर्ड पार्ट है नोटिफिकेशन एरिया, टैब की प्रेस करते हैं। शो डेस्कटॉप बटन यानी ये टास्क बार का चौथा पार्ट है। तो अब हम अपने टास्क बार के सबसे आखिरी पार्ट शो डेस्कटॉप बटन पर पहुंच गए हैं। तो अब हम पुनः यहाँ एक बार टैब की प्रेस करके देखते हैं। तो जैसे आपने जॉस को अनाउंस करते सुना डेस्कटॉप, यानी जब हम डेस्कटॉप पर रहकर टैब की प्रेस करके टास्क बार के पहले पार्ट पर आते हैं, और यदि हम टैब की प्रेस करते हुए टास्क बार के आखिरी पार्ट पर इसी तरह पहुंचते हैं, तब यदि आप एक बार और टैब की प्रेस करेंगे तब आपका फोकस पुनः घूमते हुए यानी सर्कल की तरह एक चक्कर लगाते हुए पुनः डेस्कटॉप पर आपका फोकस आ जाता है। तो साथियों यह थी हमारे कंप्यूटर के टास्क बार की कुछ संक्षिप्त जानकारी। हम अपने इस टास्क बार को जो है विस्तृत रूप से उपयोग करने का जो तरीका है उसे हम अपने अगले पार्ट में सीखेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आपका कीमती समय इस वीडियो को सुनने के लिए जो आपने दिया उसके लिए आपका मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। जय भारत। जय रिकॉर्डिंग क्लब।